हेलो व्यूवर्स, सबको नमस्कार। युवा मित्रों, नए ठेकेदारों को ये चार काम करने ही होंगे। जी हाँ सज्जनों, मैं जोर देके इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यदि नए ठेकेदार हैं तो ये जो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ चार काम, इस वीडियो में आगे जो बताने जा रहा हूँ चार काम, ये आपको निश्चित रूप से करने ही होंगे। यदि आपको सफल ठेकेदार बनना है तो इन कामों को निश्चित रूप से आप कीजिए, तभी आप सफल ठेकेदार बन पाएंगे। और वो चार कामों में पहला काम क्या है, वो है आपको अपनी साइट पर सुबह 8 बजे हर हाल में जाना ही होगा। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, यदि आप सुबह 8 बजे अपनी साइट पे लेट पहुंचते हैं, इससे लेट पहुंचते हैं, तो ये समझिए आपका सारा काम लेट होता है। आप नए ठेकेदार हैं, व्यवस्थाएं आपकी पूरी नहीं बैठ पाई हैं, साइट पे सुपरवाइजर नहीं है, आपका मिस्त्री भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको सुबह 8 बजे हर हाल में साइट पर पहुंचना ही होगा। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो घाटे के सिवाय कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा जो मैं काम बताने जा रहा हूं आपको, वो है कि आपको अपने फैसले स्वयं लेने होंगे। सज्जनों, आपके पिताजी के फैसलों पे आप कितना दिन चलेंगे? मैं मानता हूं आपके पिताजी के फैसलों को आपको आदर करना चाहिए, मगर साइट के बारे में यदि आपके पिताजी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं रखते हैं तो उनकी कही बातों को जरूर सर झुकाकर नमन कीजिए। मगर मैं कहूंगा साइट के फैसले आपको ही लेने हैं, और वो हर दिन एक बार नहीं 100 बार लेने पड़ते हैं। उन फैसलों में आप किसी दूसरे की बात को महत्व दीजिए, मगर इतना भी नहीं कि आप अपने स्वयं के फैसले लेने में, स्वयं के निर्णय करने में कहीं चूक कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सफल ठेकेदार नहीं हो पाएंगे। अपने डिसीजन पावर अपने स्वयं के पास रखिए, स्वयं डिसीजन लीजिए, तभी आप बहुत बड़े ठेकेदार बन पाएंगे। और तीसरा जो मैं कहूँगा कि तीसरा काम आपको निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, वो ये है कि आपने जो प्रॉफिट गोट किया है ठेकेदारी बिजनेस में, जो आपने कमाया है, उसको आप इसी ठेकेदारी बिजनेस में री इन्वेस्ट कीजिए। जब तक आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी कंपनी, आपकी फर्म बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी। आप अपने प्रॉफिट को घर के खर्चों में लगाते रहेंगे। घर के खर्चे करने पड़ते हैं आपको, मगर जो एसेंशियल खर्चे हैं, एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, वो जरूर कीजिए, मगर गाड़ी ले लिया, मकान बना लिया, ये सब बातें आपके बाद की हैं। आप नए ठेकेदार हैं, आपको अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा। अन्यथा आप फंड्स के अभाव में अपनी ठेकेदारी को बीच में रोक देंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी स्थिति 3 साल बाद में खराब हो। मैं चाहता हूं आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो करे, इसके लिए आपको री इन्वेस्ट अपनी ठेकेदारी में ही करना चाहिए। सज्जनों, चौथी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छे लोगों से दोस्ती और लगाव रखिए। सज्जनों, युवा मित्रों, आप अभी अभी नए नए इस बिजनेस में आए हैं, जीवन की गहराइयों को समझने में आपको कम से कम 10 साल लगेंगे। ध्यान दीजिए मेरे को, मेरी बातों पर। आपने अभी 25 साल की उम्र है, आपने कॉलेज का नॉलेज आपके पास में बहुत है, पढ़ाई का नॉलेज बहुत है, मगर दुनियादारी बहुत बड़ी चीज है, इसको समझने में आपको 10 साल लग जाएंगे। जो जो आप बिजनेस में जाएंगे, त्यों त्यों आप बिजनेस की गहराइयों को समझ पाएंगे। इसलिए आपको अच्छे मित्रों की, अच्छे दोस्तों की, अच्छे हम उम्र लोगों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में आप एक टीम ये भी बनाइए, ये टीम बहुत काम आती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वक्त पे आपके घर वाले मना कर देते हैं, मगर अच्छे दोस्त हैं, वो कभी मना नहीं करते आपको। इसलिए अच्छे दोस्तों की टीम बढ़ानी आपको बहुत जरूरत हो जाती है।
अब रही बात इससे भी ज्यादा, आप यदि ठेकेदारी के बिजनेस में कुछ जानना चाहते हैं तो आपकी अपनी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो ठेकेदारी से संबंधित ही अपलोड करता हूँ। उसे देख करके सुन करके आप अपना भविष्य और अच्छी तरह से संवार सकते हैं। जो वीडियो आपको पसंद है निश्चित रूप से आपके दोस्तों के लायक है, इसलिए मैं कहूँगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।